बिहार के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में आने वाला माँ श्यामा माई मंदिर दरभंगा जिला के अंतर्गत जो आता है नवायग। आपको बताते चले कि दरभंगा महाराज के द्वारा माँ श्यामा माई मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ माँ श्यामा काली की जो मूर्ति है वह दरभंगा महाराज के समाधि पर बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ प्रत्येक साल हिंदी पंचांग के अनुरूप अघन मास में 9 दिनों का अखंड नवा यज्ञ किया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक यज्ञ और माँ श्यामा माई के नाम से अखंड अष्टयाम 24 घंटे चलता है। यहाँ पर पूरे बिहार के साथ बात करें तो नेपाल और भी कई अन्य देशों से लोग आते हैं और माँ श्यामा माई में अपनी आस्था को बयां करते हैं। 9 दिनों के बाद यहाँ पर कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण कर इस पूजा को सम्पन्न किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ नवायज्ञ के दौरान मंदिरों को फूलों व बिजली के रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है। साथ ही यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारियां की गई है और लोग माँ के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया किया जा रहा है यहाँ? कोरोना गाइडलाइंस का पालन किस तरह हो रही है यहाँ? देख ही रहे हैं जो क्या कहते हैं, किस प्रकार चल रहा है। इसीलिए तो यहाँ से उठा के क्या कहते हैं सत्संग घूमने दे दिया गया है, ताकि क्या कहते हैं कि भीड़ भाड़ को एकदम कंट्रोल में रखा जाए। और इसी को कंट्रोल के कारण क्या कहते हैं कि वो आगे की चीज भीड़ भाड़ उतना कोई खास नहीं है, खास नहीं है। मेला भी नहीं लगा, चल रहा है उतना नहीं चल रहा है, मेला भी नहीं है, मेला तो सरकार ने बंद कर दिया गया। अपना परिचय दीजिए। चंद्रकांत झा चंद्रकांत सहायक पुजारी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।